तरह की वीडियोस में हमने मंत्री परिषद के संगठन, उसकी संरचना, उसकी योग्यताएं, उसकी पदोन्नति के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने मंत्री परिषद के जो कार्य थे उनके बारे में हमने दो कार्य उस वक्त समझ लिए थे पिछले वीडियोस में, राज्य शासन संचालन के कार्य और नीति एवं कार्यक्रम निर्माण संबंधी जो कार्य मंत्रिपरिषद के उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विधि एवं नियम निर्माण। जैसे कि आप सबको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधानसभा का मुख्य कार्य विधि नियम एवं कानून बनाना है, लेकिन जो उसको विधानसभा में प्रस्तुत करने का कार्य है, उसको नियम को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने का कार्य है, और जो नियम बनाने का कार्य है मंत्रिपरिषद कार्य करती है, और मंत्रिपरिषद ही विधि नियम बना करके उनको विधानसभा में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि विधानसभा में जो भी विधि बनाई जाएगी या जो नियम बनाए जाएंगे उसके बारे में पहले ही तैयारी करना और उनके कानून का रूप देना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है वह है बजट संबंधी कार्य। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बजट या वित्त को प्रशासनिक चिंतकों में रक्त के समान माना है। जिस प्रकार अगर शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं हो तो शरीर मृतप्राय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकारें कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, कार्यक्रम बना लें, परियोजनाएं बना लें, लेकिन यदि उनके लिए वित्त की राशि नहीं है, वित्त नहीं है, धन नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। जैसा कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है या नगर पालिका के काम है, इनका हमेशा एक जो ये प्रशासनिक अक्षमताओं या जो विकास नहीं कर पाते हैं उसके पीछे जो मूल रीजन आता है वो आता है बजट नहीं होता है उनके पास। तो हम ये समझ सकते हैं कि बजट एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिपरिषद का बजट से संबंधित कार्य यह है कि मंत्रिपरिषद संपूर्ण रूप से राज्य के स्तर का बजट तैयार करती है, प्रशासनिक जो विभाग है उनसे उनके बजट का आय व्यय योजनागत और गैर योजनागत मदों को शामिल करके बजट तैयार करते हैं, फिर उसको मंत्रिपरिषद विधानसभा प्रस्तुत करेगी, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क करेंगे, उसको पास करके पेश करेगी ताकि उसको प्रस्ताव पास करेगी ताकि राज्य प्रशासन को एक प्रॉपर तरीके से फाइनेंस की व्यवस्था हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बजट संबंधी जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वह मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कार्मिक प्रशासन का नियंत्रण करना। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि योजनाएं बनाना और नीति का निर्माण करना आसान है, लेकिन उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाना और उसको क्रियान्वित करना, उसके लिए सरकार, राज्य सरकार एक बहुत बड़ा प्रशासनिक विभाग बना के रखती है ताकि वो अपनी नीति और अपने कार्यों को आम जनता तक धरातल पर उसको क्रियान्वित कर सके। इसके लिए राज्य सरकार उनकी भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनके वेतन, उनकी जो भी समस्याएं होती है उनसे संबंधित कार्य करना या राज्य मंत्रियों द्वारा औचक निरीक्षण करना और जो भी प्रशासनिक या जो कार्मिक संगठन होते हैं उनसे फीडबैक लेना, उनकी क्या समस्याएं हैं, किसी भी नीति को बनाने में क्या दिक्कतें आ रही है, उनका मूल्यांकन करवाना, ये सब कार्य कार्मिक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उनके स्थानांतरण से संबंधित कार्य करती है और उनको संवेदनशील, पारदर्शी बनाने का प्रयास करती है। इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का उस पर वो नियंत्रण करती है। छठा नंबर हम देखते हैं तो मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य समन्वय संबंधित कार्य। जैसा कि हम सबको पता है कि आज राज्य सरकार के स्तर पर अनेक विभाग कार्य करते हैं, उन विभागों में आपसी एक विभाग के कार्य दूसरे विभाग को प्रभावित करता है, उनमें कई बार विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पुल बना रहा है, तो वहां पर यदि पेड़ काटने की समस्या भी है तो पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिलती है। इसी प्रकार से जैसे कोई किसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है और वो अगर वन विभाग के एरिया में आता है तो उनसे अनुमति लेना या उनको ग्रीन बेल्ट की समस्या आना, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो एक दूसरे डिपार्टमेंट के हितों को प्रभावित करती है। तो उन सब चीजों को समन्वित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के स्तर पर किया जाता है ताकि हमारा विकास है वो सुनिश्चित हो पाए। इसके अतिरिक्त जो समन्वय है वो हम देखते हैं कि राज्य सरकार को भारत सरकार से केंद्र के स्तर से विभिन्न डिपार्टमेंटों के मार्गदर्शन निर्देश आदेश मिलते रहते हैं। इसी प्रकार से उन विभिन्न राज्यों से भी मंत्रिपरिषद को विभिन्न प्रकार के कार्य आपस में एक दूसरे संबंधित कार्यों का आदान प्रदान होता रहता है। राज्य और भारत सरकार एवं अन्य राज्यों से समन्वय बिठाने का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है ताकि देश में एक समन्वित रूप से विकास को सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हो और विकास को की गति मंद न पड़े और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रिपरिषद समन्वय का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है और आज के जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है और जिस प्रकार से जनता की जो अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसी स्थितियों में समन्वय के कार्य के महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न कार्यों के अंदर हम देखते हैं तो इसमें इस प्रकार के कार्य आते हैं जैसे कि कभी आपातकालीन परिस्थितियां हो गई है, जैसे कि भी COVID-19 चल रहा है, तो ये जो इनके कार्य है वो विविध कार्यों के अंदर आते हैं। इसी प्रकार आपातकालीन परिस्थितियां हो गई, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर जैसे कि जो जनता है उसको उनको राहत देने का काम करना, आपदा राहत के कार्य करना, जनता से अपील करना, भी कोई भी कार्य उसमें मदद करने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम मोटा मोटी अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मंत्रिपरिषद राज्य के विकास के लिए योजना बनाने से लेकर के उसको धरातल को उतारने के लिए क्रियान्वित करने तक उसका उसका पर्यवेक्षण करती है, उसका मूल्यांकन करती है और आने वाले समय में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, नीतियां बनी हुई हैं या नियम बने हुए हैं, उनमें क्या हम बदलाव ला सकते हैं, क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीजों को हम हटा सकते हैं, कौन से ऐसे कानून है जिनकी रिलीवेंस खत्म हो गया, उनको डिलीट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य के स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य करती है और एक पूरे राज्य को प्रशासन को एक मार्गदर्शन दिशा और नेतृत्व प्रदान करती है। इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण कार्य है।